गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल 39 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,482 पहुंच गया है। इनमें 18,772 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 315 ही है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 395 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच जांच हो रही है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 4, कोतवाली और तिवारीपुर में 2-2 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें गोला, बांसगांव और सहजनवा में 1-1, पिपरौली और कैंपियरगंज में 2-2, खोराबार और भटहट में 3-3 और चरगावा में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आने वाले दिनों में धनतेरस, दिवाली, छठ जैसे त्यौहार पड़ रहे हैं, इसमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों की भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।